वो आप किस तरीके का है, ये VIP है, पूरा पर्दे वर्दे लगा है। तो रात में यहाँ पर जो है लोग रुकते हैं और बीच का मजा लेते हैं। ये भाई हिडन बीच है यहाँ का। शाम के 5 बज रहे हैं तो फिर जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं अपनी एक फैंटेसी के बारे में आपको बताता हूँ। इसी तरीके का भाई ये बीच है और ये हिडन बीच है। अगर आप देखें ना तो ईरान में जो है इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि लोग इस तरीके से एकदम खुले होकर नहा रहे हैं बीच पे। तो ये ईरान का एक हिडन बीच है। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और जैसे कि आपको पता है मैं ईरान में मौजूद हूँ। ईरान में मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है और अब कुछ ही दिन बचे हैं जब मैं अपने देश भारत वापस आ जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ईरान के नॉर्थ ऑफ ईरान में मौजूद हूँ, गिलान प्रोविजन में। गिलान प्रोविजन में एक सिटी आती है जिसका नाम है रेस्त। मैं उसके नज़दीक मौजूद हूँ और फिलहाल जिस होटल में हूँ वो एक सरकारी होटल है। जैसे कि आपको पता है फ़ाइज़ा के फादर के जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये होटल है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ मौजूद हूँ, आपको जगह जगह मैं नॉर्थ ऑफ ईरान में घुमा रहा हूँ और कुछ स्पेसिफिक जगहें आपको दिखा रहा हूँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है और आपको देखना भी चाहिए। दोस्तों फ़िलहाल आज मुझे यहाँ पर 3रा दिन है। तीसरे दिन मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ शायद आपको पता भी है, तो मैं वहीं पर आपको लेके जा रहा हूँ। मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा, इधर अपना बैग वैग सब तैयार है, बैटरी सब चार्ज है और फ़ोन भी चार्ज है। बस अब समय आ गया है कि मैं जल्दी से नीचे जाऊँ, गाड़ी में बैठूँ और आपको वो जगह दिखाऊँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाल बटन को दबाइएगा और देखते रहिए इंडियन स्पाई अनरिवील्ड। तो दोस्तों हम जिस जगह पर आए हैं, वैसे आपको पता है उसका नाम है मैसरूर, वो एक पार्क है और उसके ही पीछे एक बीच भी है। और ये जिस जगह पर है वो एग्जैक्टली आपको बताएंगी फैज। We're in the beach park, which its name is Masrur, and this park is located on the way of Chamkhala town. So yeah. Yeah. The weather is almost so sunny and I am very much wait. I am counting the seconds that the sun Chamkhala. Chamkhala, but because you cannot pronounce khe, so say Chamkhala. So yaar ye jo बीच है ये चैमखले जो टाउन है उसके बीच में पड़ता है। बीच में पड़ता है। बीच इज बीच एंड बीच इज बिटवीन। वाओ हिंदी। तो बीच इज बिहाइंड मी एंड बीच इज बिटवीन, इन बिटवीन। सो वो बीच के बीच में पड़ता है चैमखले। और ये भाई ऐसा कुछ यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा जब हम लोग ने हमने अपनी कार यहाँ पर लगा दी है और उधर फैज़ा के फादर और उनकी फैमिली, उसकी सिस्टर बीता मेहता और मदर,
और यहाँ पर क्या है, जो छोटे छोटे आपको हर्ट्स दिखाई दे रही हैं वो हर्ट्स एक्चुअली हर्ट्स में बैठ के लोग अपना लंच वंच करते हैं। और फिर मैं आपको बीच पे लेके चलूँगा और मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैसूर बीच नॉर्थ ऑफ ईरान का। हम कबाब बनाने वाले हैं और देखिए आप तो हम इस पे ये देखो हमने ये कबाब बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये देखो इस फैन से इस तरीके से इस फैन से आग को जो है वो करेंगे, ठीक है। ये पूरा बना हुआ है इसलिए है ताकि यहाँ पे लोग अपना खाना पीना बना सकें। ज़्यादातर ये कबाब के लिए है, लोग ज़्यादातर कबाब बनाते हैं। आप छोटी छोटी हट्स देख रहे हैं, इन सब में लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के और अपना हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। ये अपनी तरफ कम ही देखा जाता है। और हमारे शेफ हैं ये शेफ यार तो अब इस तरीके से आग लगा दी गई है और कबाब बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। तो भाई पिकनिक के लिए देखिए ऐसा यहाँ पे हट होती है और यहाँ पर हमने पूरा सामान रख लिया, यहाँ पे इसको बिछा दिया है और सो यू वांट टू से अबाउट दिस This is the small house that we're at actually. And we're near to the beach. Uh-huh. And we have something here with ourselves to eat and drink. And my father is busy making kebab. And my sister is making something ready, some utensils ready for the lunch. Here we have some haji badam. That is his favorite thing. Haji badam. Yeah. They are directly coming from Hajj. Hajj. तो इस तरीके से यहाँ पे पिकनिक की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पे हम लोग कबाब बना रहे हैं। मतलब मैं खाता नहीं हूँ लेकिन मैं देखता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है। और तो ये कबाब बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये देखो कबाब तो देखो यार इस तरीके से कबाब बनाए जा रहे हैं और फिर उनको वहाँ पे जाके रख दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अब इन्होंने अपने कबाब बनाने की तैयारी कर ली है। हम तो खैर आपको पता है कि हम वेजिटेरियन हैं, हम तो बस देख रहे हैं कि एक तरीके का कल्चर है यहाँ पर। और बहुत ही मतलब यार जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सब में वो तो है ही, मीट तो खाया जाता है और ये भी एक कल्चर है। और बहुत ही मतलब देखने में मज़ा आता है यार ये सब चीज़ें भी। तो मेरे थ्रू आप भी देख रहे हैं तो उसी बात पे लाल बटन दबाइएगा। दूसरा अभी हम इंतज़ार करेंगे इन कबाब के कबाब बनने का सही से, फिर ये लोग खाएंगे और हम कुछ वेजिटेरियन खाएंगे।
तो भाई ये फूड तैयार हो गया है। कबाब और ये रही हमारी दाल। दोस्तों मैं बीच की तरफ आ गया हूँ और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे ना ये ईरान का हिडन बीच लग रहा है। पहले तो आप यहाँ देखो, इस बीच के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। और ये हिडन बीच मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ईरान के अंदर आपको पता है कल्चर क्या है और एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस बीच पे पूरी ये समझ लो मियामी वाली फील है। लोग जिस तरीके से नहा रहे हैं और जिस तरीके से घूम रहे हैं, पूरी मियामी बीच वाली यहाँ पे फील है। ये हिडन बीच है ये, जितने मतलब बहुत देख रहे हो। अच्छा आपको एक चीज़ बताता हूँ, पीछे की तरफ जो है वो बैठने का है, यानी वो जो जो हट लग रही है, हट दिख रही है ना आपको जिसमें मैं बैठा था, वो अपना लंच वंच करने का, डिनर विनर करने का है, ठीक है। उसके आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पास में आप देख रहे हो फ्रंट रो में, भाई वो जो है ना जो फ्रंट रो में देख रहे हो आप, उसमें लोग रात को स्टे करते हैं, वहाँ रुक जाते हैं। और जो अगर आप ये वाला देखो ना, ये VIP है, इस तरीके का ये VIP है। कार लगी हुई है यहाँ पर, ये AC लगी हुई है, सब इसके अंदर फिट है मामला। और जो है ये थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा नहीं काफ़ी कॉस्टली है। तो ये देखो आप किस तरीके का है, ये VIP है पूरा, पर्दे वर्दे लगे हुए हैं। तो रात में यहाँ पर जो है लोग रुकते हैं और बीच का मज़ा लेते हैं। ये भाई हिडन बीच है यहाँ का, आप समझ लो। एक तो बहुत दूर है शहर से, और जिस तरीके का यहाँ पे मैंने कल्चर देखा है ना, ये बिल्कुल भी मुझे ना इस्लामिक फील तो दे नहीं रहा। उधर देख रहे हो लोग पानी के अंदर नहा रहे हैं, बिल्कुल कपड़े वपड़े उतार के। तो भाई बहुत ही बढ़िया है, और शाम को और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है ये। और यहाँ पर जो है ये जो पहली वाली आप रो देख रहे हो, ये सब VIPs के लिए है, मतलब महंगी है। और VIPs के लिए नहीं, मतलब VIP है, और इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो सब कुछ अवेलेबल है, देखो AC लग रही है धूप से बचने के लिए, पूरा मामला सेट है। तो ये जो बीच है भाई, मज़ा आ गया मेरे को देख के, क्योंकि ये ईरान में एक दूसरी फीलिंग देता है कि हाँ इस तरीके का कल्चर भी यहाँ पे मौजूद है। अक्सर ये कल्चर जो है ऐसी छुपी हुई जगह पे मिलता है, जहाँ पर लोगों का कम आना जाना है, और बहुत ही कम लोग आते हैं इधर की तरफ। तो भाई बीच के किनारे कुछ दोस्त यार मिल गए, उनसे दोस्ती हो जाती है, मैं तो हर जगह जाके दोस्ती हो जाती है। ये देखो ये कुछ बच्चे हैं, ये आमिर है, आमिर खान नहीं है, इसका नाम आमिर है। और हामिद और सोहेल और आरक। तो भाई वो इंडियन लग रहा है, लेकिन वो इराकी भी लग रहा है, लेकिन वो है इरानियन, ये सभी इरानियन है। और ऐसे मैं उनसे पूछने लगा कि ये जगह के बारे में कुछ बताओ, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट प्लेस, दिस प्लेस मैसूर, गर्दिश करी मसरूर। वाओ, तो यार इन्होंने बताया कि ये गर्दिश करी मसरूर है, और ये हिडन बीच है ईरान का, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने से पता लगती हैं, बताने से पता नहीं लगती, वो आपको वहाँ देख सकती हैं। तो मैं भी अभी थोड़ी देर में वहाँ जाऊँगा, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो धूप ज़्यादा हो रही है तो अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही शाम होती है फिर मैं जाऊँगा वहाँ पर। तो दोस्तों जिस हिडन बीच की मैं बात कर रहा था अभी तक, उसके करीब जाने का समय अब आ गया है, और मेरे साथ फैजा है, और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैं गया नहीं। अभी थोड़ा सा, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो फिर जाने का समय आ गया है। लेकिन मैं अपनी एक फैंटेसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा से ही समुद्र के अंदर अपने मोजे धोना चाहता था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब फैंटेसी है। तो मैं अभी अंदर जाऊँगा और मैं अपने सॉक्स वहाँ पर धोऊँगा। तो अभी इधर की तरफ जो है वो बीच है,
और वहाँ पर लोग जो है वो नहा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया है कि यार ये जो है ना ये हिडन बीच है ईरान का, हिडन बीच है ईरान का। तो भाई यहाँ पे जो लोग हैं ना वो आराम से कपड़े उपड़े उतार के मस्त नहा रहे हैं। देखो अभी मैं जैसे ही उसके करीब पहुँचूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो और यहाँ पर जो ये रेत भी है ना यार ये भी मतलब अलग है। और हाँ ये समुद्र जो है इसका पानी अपने जैसा नहीं है और ना इसका पानी वैसा है जैसे बांदर अंजाली में था। ये पानी अलग है, ये पानी बिल्कुल ऐसा है जैसे मियामी वगैरह में होता है, तो पता नहीं ये शायद पैसिफिक ओशन का है। और बिल्कुल नीला पानी है भाई, तभी लोग इसमें नहा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। अभी हम भी चलते हैं अंदर और ज़रा मैं अपने मोजे धोता हूँ। तो देखो मेरे मोजे इंतज़ार कर रहे हैं पानी के अंदर जाने का। मैं थोड़ा अंदर जाने से कतराता हूँ क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता और ये पानी बहुत ज़्यादा मतलब शुरुआत से ही गहरा है, तो मैंने अपने सॉक्स फायजा को दे दिए हैं। नो वॉश माय सॉक्स और अब वो मेरे मोजे अंदर धोने जा रही है। गो 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 वॉश माय सॉक्स। तो अब फायदा जो है वो मेरे सॉक्स धो रही है, तो मैं खुद अपने सॉक्स नहीं धो पाया कि मुझे पानी के अंदर जाने से थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ या आई डोंट नो नो देयर इज नथिंग यू वांट टू थ्रो देम प्रॉपरली मच प्रॉपरली दे आर सो मच डर्टी। Okay. Do it. They are so much dirty. तो दोस्तों ये बीच है और इस बीच में मैंने अपने सॉक्स जो हैं वो धो लिए हैं, मतलब मैंने नहीं धोए, धोए तो फायजा ने हैं। और फिलहाल ये जो बीच है ये ईरान का एक हिडन बीच है जहाँ पर फिलहाल हम खड़े हुए हैं। और ये देखो What is that? Insects. There are some, you know, there are some worms. Okay. Worms. भाई यहाँ पे कीड़े भी हैं। इसी तरीके का भाई ये बीच है और ये हिडन बीच है। अगर आप देखें ना तो ईरान में जो है इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि लोग इस तरीके से एकदम खुले होकर नहा रहे हैं बीच पे। तो ये ईरान का एक हिडन बीच है जो कि मैंने खोज निकाला है। तो इसी बात पर इस बीच से अभी तक यही था मैं ज़्यादा, क्योंकि ईरान में क्या होता है जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो लोग आपसे जो है इंटरेक्शन नहीं करते हैं, उसकी वजह होती है कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं। तो मैंने ज़्यादा लोगों से मैं बात भी नहीं करता हूँ, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता हूँ अपने थ्रू और फायदे के थ्रू मैं कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यही था सॉक्स के बारे में और इस बीच के बारे में, बहुत ही खूबसूरत बीच है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाल बटन को दबा दीजिएगा और बस नहा लो जाके अपने घर। चलो Does it have any meaning? Yes. Yeah? Yes.